चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और आप ये देखेंगे कि जमगढ़ हर जगह हर कार्यालय पर इस तरीके से अब आम देखने को आपको मिलेगा। इसी संदर्भ में बलोड़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा से प्रबल दावेदार हैं भाई भारत भूषण, इनसे जानते हैं। सर, घोषणा हो गई है, क्या कुछ खास कहेंगे? देखिए, मैं तो चुनाव आयोग ने आज चुनावों की घोषणा की है। सबसे पहले मैं सभी को, बल्लभगढ़ वासियों को, हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं सभी युवाओं से और सभी हरियाणवी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें पुनः तीसरी बार भाजपा सरकार को चुन करके जो हरियाणा की रीति नीति जो बदली है पिछले 10 साल के अंदर, निश्चित तौर पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार को चुन करके लेकर के आए। मौसम की तरफ राजनीतिक रिश्ते बदलने शुरू हो जाएंगे अगले 20 दिनों में जी, तो भाई भारत भूषण कहाँ दिखाई देंगे, भाजपा के साथ या बलोड़ विधानसभा की जनता के साथ? भारत भूषण निश्चित तौर पे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में बल्लभगढ़ को दिखाई देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को लेकर के आ रहे हैं जिनका की कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और जो शिक्षित हैं, युवा हैं, और जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम पहले से ही आवाज उठाते आए, और आप देखिए मोदी जी ने उस आवाज पर मोहर लगाई है। शुरुआत बल्लभगढ़ से ही होगी? बल्लभगढ़ से निश्चित तौर पे शुरुआत है। विनोद जी, आप नोट कर लीजिएगा आज का दिन, और फिर जिस दिन आप टिकट आती है तो उस दिन आकर के इंटरव्यू लीजिएगा, और आपको स्वयं पता चल जाएगा। चार मुद्दे और बता दीजिए जनता से जो आह्वान करना चाहते हैं कि वो वोट क्यों भाई भारत भूषण को करें। देखिए, भारत भूषण की जहां तक बात है, तो भारत भूषण को वोट करने के लिए जनता को यह देखना होगा कि एक तो हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, दूसरा बल्लभगढ़ के बेटे हैं, तीसरा बल्लभगढ़ के लोगों को नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, और चौथा युवा, कर्मठ और शिक्षित होने के नाते हम बल्लभगढ़ की जनसेवा और उसे बेहतर कर पाएंगे। तो बल्लभगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए निश्चित तौर पर यहाँ के सभी जो युवा वोटर हैं, मातृशक्ति है, बुजुर्गण है, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने वोट को सोच समझ करके सही वोट की चोट से ही केवल। कैसा बल्लभगढ़ चाहिए आने वाले समय? ठीक है जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको भी, जो डेट क्लियर हुई है 1 अक्टूबर। और रही बात बल्लभगढ़ की, तो बल्लभगढ़ बहुत अच्छे तरक्की करेगा, क्योंकि पिछले जो हम 1 साल से हमारे भाई भारत भूषण जी की टीम 1 साल से मेहनत कर रही है, उस मेहनत का फल मिलेगा। और जो आज परिवर्तन है, जिस तरह से देश में परिवर्तन है, बल्लभगढ़ में परिवर्तन चाहते हैं, और भाई भारत के रूप, भाई भारत भूषण के रूप में परिवर्तन होने जा रहा है, कि भाई भारत भूषण ने बहुत मेहनत करी, और जिस तरह से भाई भारत भूषण हर तरह से डिजर्व करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भाई भारत भूषण को आशीर्वाद है जी। रमेश जी बताइए क्या चाहते हैं, बल्लभगढ़ कैसा दिखे? बल्लभगढ़ तो बहुत अच्छा, एक ऐतिहासिक नगरी है। बल्लभगढ़ में विकास चाहिए, बल्लभगढ़ में सफाई चाहिए, बल्लभगढ़ में सब कुछ चाहिए, और वो चीज आज जो हम आश्वस्त हैं, वो भाई भारत भूषण से हम आश्वस्त हैं कि इनको अगर टिकट मिलती है, ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज को बहुत जल्दी बल्लभगढ़ की सुधार करेंगे। सफाई, पानी, मेन दो जो बेसिक चीजें हैं वो होनी चाहिए। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें थी, और आप देखेंगे कि हर कार्यालय पर इस तरीके के अब जमकर आपको दिखाई देने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।